हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कॉटन। इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कॉटन में बहुत सारे पेस्ट आते हैं, बहुत सारे कॉटन के, पिंक बोलवॉर्म, रेड कॉटन बग, कॉटन ग्रे, कॉटन जैसिड एंड द सरफेस ग्रास ओपर। बट हमारे सिलेबस में पिंक बोलवॉर्म है। पिंक बोलवॉर्म को हम प्लैटीडेरा भी कहते हैं। इसकी क्लास इंसेक्टा और लेपिडोप्टेरा फैमिली ग्लैचिडिया। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें और पूरी इंडिया में मिलता है, और इंडिया में मेनली यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिल और तमिलनाडु, इनमें मिलता है। होस्ट प्लांट की बात करें तो मेन होस्ट जो कि इसको इन्फेस्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है, वो कॉटन ही है मेन होस्ट इसका। लेकिन और सारे अदर प्लांट्स, लेडी फिंगर, भिंडी को भी, होली हो, कोकरा, ये और सारे अल्टरनेट इसके होस्ट हैं। जनरल अपीयरेंस की बात करें तो इसमें मौत की साइज छोटी होती है, 12.5 mm लेंथ से। ग्रे कलर का होता है। फोर विंग्स में इसमें ब्लैक स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं और हिंड विंग्स एक फ्रिंज मार्जिन शो करता है। इसका ऐसा कुछ डायग्राम होता है जिसमें फोर विंग्स में ब्लैक स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं एंड हिंड विंग्स में डीपली फ्रिंज मार्जिन प्रेजेंट होता है। हैबिटेट रात वाला इंसेक्ट है, नॉक्टर्नल है। ये फ्लावर को भी, बर्ड, सूट, बॉल्स, इन सब को डैमेज करता है। कौन डैमेज करता है? मेन इसमें कैटरपिलर डैमेज करता है प्लांट को। लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल 22 to 77 days में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, और मेनली ये अप्रैल टू नवंबर में ब्रीड्स करते हैं। एग्स की लाइफ साइकिल की बात करें तो एग्स में मेनली 2 to 10 एग्स होते हैं। फीमेल एक ग्रुप में 2 to 10 एग प्रोड्यूस करती है, एक टाइम में ले करती है। लेकिन एक सिंगल फीमेल एक साथ 300 एग कर सकती है, और एग का कलर वाइट, इलोंगेटेड और फ्लैट होता है। ये इसका स्ट्रक्चर जो कि एक डिपो इसके पोटैटो में प्रेजेंट है एग। और इसकी लेंथ की बात करें तो 0.35 mm है, और ब्रीड्स की बात करें तो 0.2 mm है। कैटरपिलर 4 to 23 days के इनक्यूबेशन के बाद एग अपने हैच करता है और पेल येलो कैटरपिलर में चेंज हो जाता है। पेल येलो कैटरपिलर में क्या होता है कि इसका हेड होता है वो तो डार्क होता है, और इसका नीचे का प्रोथ्रक्स होता है वो ग्रेज कलर का होता है। और ये कैसे करता है नुकसान कैटरपिलर? कैटरपिलर किसी भी सूट बर्ड्स में फ्लावर के अंदर चला जाता है, जिससे वो धीरे धीरे उसको नुकसान कर देता है। सोइल के अंदर चला जाता है जिसकी फर्टिलिटी को कम कर देता है। ऐसे कैटरपिलर कॉटन के प्लांट्स को हार्म करता है। लेंथ 15 mm, बट जब इनिशियल में था तो पेल येलो कलर था, बट धीरे धीरे वो जब उसको हार्म करता है, इन्फेक्ट करता है, तो पिंक कलर में चेंज हो जाता है। ये 10 to 30 days में ग्रो होता है। इसकी लार्वा स्टेज प्रोलोंगेटेड होती है, एंड विंटर इज पास इन द कैटरपिलर स्टेज इन वाइट। वही बात बता दी इसमें कि विंटर सीजन में क्या होता है कि सॉइल के अंदर जाके वो उसकी फर्टिलिटी को कम करता है, जिससे कॉटन प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता। तो मेन इसमें नुकसान कैटरपिलर का ही होता है। प्यूपा की बात करें तो प्यूपा का स्ट्रक्चर ये है।
कैटरपिलर होने के बाद एक प्यूपा होता है जो उसके धरती में जाके उसको नुकसान करता है। कैटरपिलर धरती में ही मिलता है, मतलब धरती में ही उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को कम करता है। उसी टाइम पे प्यूपा भी जाता है, प्यूपा उस कैटरपिलर के बाद प्यूपा बनता है। प्यूपा वो प्यूपा कैटर धरती में तो रहता ही है, सॉइल में तो रहता ही है। इसकी स्टेज नॉर्मली 7 to 20 days ही होती है, ज़्यादा तो कैटरपिलर की ही होती है 10 to 30 days की, बट प्यूपा की 7 to 20 days होती है। मैक्सिमम प्यूपेशन मानसून में होता है, ये विंटर में होता है, ये मानसून में होता है। और लार्ज नंबर में अडल्ट जुलाई और अगस्त में बाहर निकलते हैं, अडल्ट बन जाते हैं। लेकिन प्यूपा की 6 mm इसकी लेंथ होती है, 2.7। ये इतना याद नहीं रहता, बट किसी की याद रहता है तो याद कर सकते हो। अडल्ट की बात करें तो अडल्ट 4 to 6 generation एक साल में कर लेता है। डैमेज डैमेज की बात करें तो मेन डैमेज मैंने कहा था कैटरपिलर की वजह से ही होता है, जो कि सूट बॉस फ्लावर्स इनको डैमेज करता है। इसमें क्या करता है, यंग सीड्स को डैमेज करेगा, इसकी लेंथ्स को रिड्यूस करेगा, ऑयल किसी सीड में जो ऑयल है उसको भी कम करेगा, जिससे अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा उसके प्रोड्यूस करने की कंट्रोल। वही रहते हैं, उन मेथड अवॉइड करना चाहिए, फॉलन लीव्स बर्ड्स को कलेक्ट करना चाहिए, उसको जला देना चाहिए, रेजिस्टेंट वेराइटियों को उगाना चाहिए और 2.5 liter स्प्रे करना चाहिए एंडोसल्फिन। आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।